हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉप 10 क्लासेज के करण बैच में। और मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर और मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा। आप सभी का स्वागत है अपने क्लास में। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज क्लास 8th का जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन से प्रकाशन से पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो बुक है कक्षा 8 का गणित, किसका प्रकाशन का हमारा है, राजकीय प्रकाशन का है। कौन से प्रकाशन का है डियर स्टूडेंट, राजकीय प्रकाशन का है। राजकीय प्रकाशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो हमारा पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम का परिचय क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं, हमारा अध्याय 1 जो है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं क्या है डियर स्टूडेंट। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे पी अपान क्यू के रूप में हम क्या कर सके, व्यक्त कर सके। वह कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त न कर सके वह हमारी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। हम डिटेल्स इन सिलेबस जो हमारा अध्याय 1 है उसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, अध्याय 1 आपको उसके बारे में सारे जो हमारे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सारे परिभाषा हम आपको क्या करेंगे, लिखा देंगे। फिर हमारा अध्याय 2 है जो हमारा वर्गमूल। क्या है डियर स्टूडेंट? वर्गमूल। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, इन सब का अध्ययन हम अध्याय 2 में करेंगे, जो हमारे कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। जो प्यारे डियर स्टूडेंट, जो हमारे कंपटीशन होते हैं, कंपटीशन में वर्गमूल एवं वर्ग से बहुत सारे क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो हम इनके बारे में बहुत से ट्रिक्स होते हैं, हम इन सब के अध्ययन करेंगे। फिर हमारा अध्याय 3 जो है हमारा घनमूल है। जिस प्रकार हमारा अध्याय 2 वर्गमूल जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको वन डे एग्जाम के लिए और आपके कक्षा 8th के लिए, यह आपका सिलेबस से साथ नहीं छूटेगा। आप जब तक पढ़ेंगे कक्षा 8th में भी काम आएगा, कक्षा 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी, आपको इसका साथ कभी नहीं छूटेगा। हमारा वर्गमूल एवं घनमूल ये दोनों जो चैप्टर हैं इनसे आपका कभी भी छुटकारा नहीं होगा। इसलिए डियर स्टूडेंट, इनके बहुत से लॉजिक हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। फिर अध्याय 4 हमारा जो है सर्वसमिका, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है सर्वसमिका, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर अध्याय 5 हमारा है बीजी व्यंजक। क्या है डियर स्टूडेंट? बीजी व्यंजक का भाग एवं गुणा। जैसे बीजी व्यंजक हमारा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह हमारा क्या है डियर स्टूडेंट, बीजी व्यंजक है। बीजी व्यंजक में अगर इसी में हमें ax प्लस b से क्या देना हो, भाग देना हो, क्या करना है, भाग देना है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे। और इसी के बारे में हमारा अगला करा है, इसी में गुणा। जैसे हमारा दिया है a प्लस b और a प्लस b का हम लोग जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a² + b² + 2ab मिलेगा। यही बारे में हम लोग सारे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर हमारा अगला अध्याय आता है अध्याय 6। क्या है डियर स्टूडेंट? अध्याय 6 जो है हमारा संख्याओं से खेलना है। क्या करना है, संख्याओं से खेलना है, यह भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग क्या करते हैं स्कूल में, जब कभी खाली रहते हैं तो हम लोगों को कहते हैं चलिए यहाँ पर 10-20 हो जाए, 10-20 चोर सिपाही वाला खेल करते हैं। उसी प्रकार संख्याओं से यहाँ पर खेलने का बात करता है। जैसे सांप सीढ़ी का खेल हो गया, हमारा लूडो का खेल होगा, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अध्याय अगला हमारा जो है 7 युगपत समीकरण। युगपत समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, इसमें हमें सिद्ध करने का बहुत आता है। इस चैप्टर पढ़ने में बहुत आनंद आएगा डियर स्टूडेंट। आप लोग वीडियो को छोड़कर
कहीं भी मत जाइएगा। और इन सब सिलेबस को हम आपको डिटेल टू डिटेल वीडियो बना कर देंगे कि नहीं, हम आपको एक चैप्टर यहाँ से बना कर देंगे, अगला चैप्टर कोई और होगा, आपको सारी डिटेल आपका चैप्टर दिया जाएगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। आपका नहीं कि एक चैप्टर पढ़ाने के बाद आपसे कुछ पैसे का मांग किया जाए, इसका आपसे कोई नहीं होगा। आपको सारे वीडियोज आपको फ्री में मुफ्त में अवेलेबल कराए जाएंगे। फिर अध्याय 8 हमारा जो है वर्ग समीकरण, क्या है वर्ग, वर्ग जो हमारा होता है जिस प्रकार आप लोग जानते हैं वर्ग क्या होता है, जिसके चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं डियर स्टूडेंट, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वह क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग समीकरण क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय 9 जो हमारा है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं जिस प्रकार आप लोग देखे होंगे ट्रेन की पटरियां किस रूप में बिछी होती हैं, समांतर रेखाओं के रूप में बिछी होती हैं। जिस प्रकार समांतर रेखाएं, जिस प्रकार हम साइकिल लेकर जाते हैं तो क्या हमारा जो साइकिल होती है समांतर रेखा पर गत करती है, नहीं गत करती, वह किस में गत करती है, सरल रेखा में। किसमें गत करती है, सरल रेखा में। हम लोग अध्ययन करेंगे समांतर रेखाएं, समांतर रेखा। अध्याय 10 हमारा है चतुर्भुज की रचना। पिछले क्लास में क्लास 7 में हम लोग जाने थे चतुर्भुज क्या होता है, अब इस अध्याय में हम लोग जानेंगे चतुर्भुज की रचना कैसे करना है। इतना तो हम लोग जान गए चतुर्भुज जो होता है हमारा चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट, चतुर्भुज कहलाती है। इसमें हम लोग चतुर्भुज की रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अध्याय 11 हमारा वाणिज्य गणित। डियर स्टूडेंट आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि कक्षा 6 में भी हमारा वाणिज्य गणित है, 7 में भी वाणिज्य गणित है, 8 में भी वाणिज्य गणित है और आपको इससे 7 नहीं छूटेगा, यह आपसे 7 नहीं छूटेगा। यह हमारा वाणिज्य गणित जो होता है मूलधन क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दर क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यह कौन सा अध्ययन है, वाणिज्य गणित में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। फिर अध्याय हमारा अगला है 12 बैंकिंग। सभी लोगों का तो खाता आप लोग खुला लिए होंगे तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे हमारा खाता कितने प्रकार का होता है, जो हमारे खाता होता है कितने प्रकार के होते हैं, हम पैसे को जमा कैसे करेंगे, पैसों को निकालेंगे कैसे, इन सब के बारे में क्या करेंगे, अध्याय हम लोग किसमें 12 में अध्ययन करेंगे। अध्याय 13 हमारा है वृत्त। अध्याय 13 हमारा क्या है, वृत्त है। इससे पिछले वाले क्लास 7 में हम लोग जाने थे वृत्त क्या होता है, वृत्त का परिचय क्या होता है, वृत्त का निर्माण कैसे होता है और इसमें हम जानेंगे वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। चतुर्भुज तो आप लोग जान गए, जो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है वह क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। लेकिन इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। अरे बच्चों जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 15 क्या है, सांख्यिकी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और हमारा अगला अध्याय जो है क्या है डियर स्टूडेंट, अध्याय 16 जो है हमारा प्रायिकता। होंगे कि आप लोग जब एक बैग होता है, बैग में दो तीन प्रकार के गेंदे, दो तीन कलर के गेंदों को डाल दिया जाता है तो उसमें हम लोग अगर हाथ डाल के गेंद को निकालें हमें पता चलता है नहीं है कि कौन सा गेंद हमारा निकलेगा, व्हाइट कलर का गेंद निकलेगा, ब्लैक कलर का गेंद निकलेगा कि रेड कलर का गेंद निकलेगा। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यह हमारा चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और हमारा अभ्यास अध्याय 17 कार्तीय तल है, क्या है डियर स्टूडेंट, कार्तीय तल। जैसे हमारा आप लोग जानते हैं एक्सिस होते हैं, यह हमारा क्या होते हैं, एक्सिस होते हैं, यह हमारा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यह हमारा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यह हमारा कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग अध्याय 17 में। और जो हमारा अध्याय 18 है वह हमारा है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति हम लोग क्लास 6 से अध्ययन करते आ रहे हैं कि क्षेत्रमिति क्या होता है, मेंसुरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे हमारा क्या है, जैसे हमारा त्रिभुज है, क्या है डियर स्टूडेंट, त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जिस प्रकार हमारा क्या है, शंकु है,
क्या है डियर स्टूडेंट? शंकु है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हमारा वृत्त है। क्या है? आयत है डियर स्टूडेंट। हमारा क्या है? आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे हमारा दे दिया है वर्ग। क्या दे दिया है? वर्ग दे दिया है। वर्ग का क्या क्षेत्रफल होगा? इन सब का अध्ययन हम किस में करेंगे? अध्याय 18 में इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जान चुके हैं हमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो आप लोग अपनी एक सीरीज, जो हमारी सीरीज होगी वीडियो का, आप लोग लेक्चर एक से देखना स्टार्ट कीजिए। और आपको टोटल वीडियोज के लेक्चर आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे। और यहाँ पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा कि आपको एक अध्याय पढ़ाने के पश्चात आपको अगले अध्याय के लिए कोई फीस जमा करना पड़े। हमारा उद्देश्य है आप लोगों के पास मुफ्त में शिक्षा पहुँचाने का। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे अगर उनके पास पैसा नहीं हो, ट्यूशन नहीं कर सकते, तो ये वीडियो के माध्यम से क्या कर सके? पढ़ाई कर सके। अगर आपका कोई डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पर व्हाट्सएप से ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना अगर आपका कोई भी डाउट होता है, आप उसका स्क्रीनशॉट खींचकर भेजकर आप उसका सॉल्यूशन और टेस्ट वीडियो में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है यहीं पर अध्याय जो है खत्म होता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।